गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 12, 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ नए और कुछ थोड़े से पुराने टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो छोटा सा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रुपी में जो ट्रेड होती है उसके बारे में। आरबीआई चाहता है कि फ्यूचर में और ज्यादा रुपी में वो इंटरनेशनल ट्रेड करे, थोड़ा जिसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है, कुछ ज्यादा डिटेल यहाँ पे दिया नहीं गया है। इंडिया एट टॉप, तो भैया सभी को प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया यहाँ पे टॉप कर गया है। किस मामले में? इंडिया की पॉपुलेशन अगले साल यानी कि 2023 में दुनिया की टॉप पोजीशन पे हम लोग आने वाले हैं। चलिए कहीं तो टॉप पे हम लोग आए, इसको हम लोग कवर करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये भी एक्चुअली सर्विस चार्ज के बारे में है, तो एक दो पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। रिपीटेड सा टॉपिक है तो ज्यादा समय इसको हम लोग देंगे नहीं। अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा डार्क मैटर, ये हमारे लिए नया टॉपिक है। अगर किया भी तो होगा, बहुत पहले किया था हम लोगों ने, तो शायद आपके दिमाग से निकल गया होगा। डार्क मैटर क्या होती है, डार्क एनर्जी क्या होती है, यूनिवर्स में इसका क्या रोल होता है और अभी करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से न्यूज में क्यों है, तो साइंस एंड टेक वाले पार्ट से आपको काफी सवाल यहाँ से आ सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, एक्ट के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छा आर्टिकल है। बात करेंगे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो हम लोगों ने बनाया था, एफआरए जिसको कहा जाता है, उसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है। अच्छा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से, मजा आएगा करने में इसको। न्यू पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये आज का है बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन। बहुत सारी चीजें यहाँ इसके बारे में हम लोगों को पहले से पता ही है। ये आर्टिकल कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं रहेगा, इट वुड बी जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी। तो थोड़ा सा डिबेट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन भी चाहिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर इकोनॉमी को लेके कुछ एमसीक्यूज भी डाले गए हैं और एक दो एडिशनल आर्टिकल भी हैं। एक्चुअली आज नंबर ऑफ आर्टिकल बहुत अच्छे थे नहीं, द हिंदू न्यूज पेपर में वही घिसे पीटे से आर्टिकल थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनर सेक्शन से एक दो आर्टिकल आपके लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं फ्रंट पेज पे क्या है। फ्रंट पेज पे भी एक्चुअली कुछ खास है नहीं आज, ठीक है हमारा समय बचेगा, थोड़ा सरदर्दी बचेगा, आज थोड़ा कम करना पड़ेगा। फ्रंट पेज भी अगर आप दिखाऊं आपको मैं, तो फ्रंट पेज पे देखिए, तो ये तो तमिलनाडु से न्यूज है, कोई हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका भी आज सच कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसको तो हम लोग छोड़ ही सकते हैं। सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आपको बताता चलता हूँ कि हम लोगों ने 3 तारीख से अपना बैच लॉन्च कर रखा है। जिन बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपकी सारी जरूरतों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, आपको डेली क्लासेस होती हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, वैल्यू एडिटेड मटेरियल मिलता है, डेली क्विज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटरशिप मिलता है, सब कुछ मिलता है। कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है, ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, जिसपे मैसेज वगैरह करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से एफर्ट आपको 100% से भी ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल, आरबीआई सेट्स टू सेट सब सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी। देखिए ये आप सबको पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो कौन सी करेंसी में होता है, वो होता है डॉलर के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को कौन सेट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेट की जाती है ऑयल के द्वारा, ऑयल ट्रेड, क्योंकि इस पूरी दुनिया में इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो कहीं ना कहीं ऑयल से भी चलती है। हालांकि आजकल डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब हम लोग बातें करते हैं, लेकिन भैया आज भी ऑयल के बिना कुछ भी नहीं है। और ऑयल में जितनी भी ट्रेड होती है वो मोस्टली आपके डॉलर में ही होती है, और डॉलर को कौन करता है, यूएसए की करेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी अगर डील हो रही है जो डॉलर में होती है, वो आपको उसके लिए आपको अमेरिकन बैंक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। मतलब डॉलर में कोई भी डील हो रही है तो अमेरिकन बैंक्स जो है वहां पे इंटरमीडियरी का काम करते हैं, उन्हें सब पता है दुनिया में कौन सा डॉलर कहां जा रहा है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। इवन अगर यूरोपियन करेंसीज में भी डील होती है, वो डील भी डॉलर के साथ ही पैक की गई होती है, क्योंकि डॉलर जो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है। तो इसीलिए तो अमेरिका को कहा जाता है कि दुनिया को डोमिनेट करता है। वो दुनिया को डोमिनेट अपनी आर्मी की वजह से नहीं करता है, कई लोगों को ऐसा लगता है, नहीं, वो करता है अपनी करेंसी की वजह से, पूरा डॉलर सिस्टम है। अब ये तो चलिए बातें हो गई, अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें जैसे रशिया, ईरान, अब इनके ऊपर जो है अमेरिका ने लगा रखे हैं सैंक्शंस, तो भैया इंडिया जैसा कंट्री क्या करे बेचारा। हम लोगों को तो ईरान से भी डील करनी है क्योंकि वहां से हमें ऑयल चाहिए, हम लोगों को रशिया से भी डील करनी है क्योंकि वहां से हमें ऑयल भी चाहिए, वेपन्स भी चाहिए। अब इन कंट्री की जो करेंसी है वो सेफ करेंसी नहीं मानी जाती,
सीधी सी बात है डॉलर में ही ट्रेड की जाती है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, तो इनके ऊपर जब सैंक्शंस लगा जाएंगे लग जाते हैं तो मजबूरी में इंडिया को ऐसी कंट्री से ट्रेड करना पड़ता है जहां पे डॉलर में ट्रेड होती है। अब इस सिस्टम को बाईपास कैसे किया जा सकता है, इसके लिए इन कंट्री के साथ हम लोग जो है करेंसी स्वॉप डील करते हैं। मतलब आप अगर हम लोग रशिया से कुछ खरीदेंगे तो हम उनको रूपी में मतलब या उनके रूबल में पे कर सकते हैं, अगर रशिया इंडिया से कुछ खरीदेगा तो इंडिया को इंडिया के रूपी में पे कर सकता है, एक दूसरे की लोकल करेंसी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इनमें दिक्कत ये होती है कि जो हमारी लोकल करेंसी होती है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, सेफ नहीं है ना। डॉलर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है और डॉलर की दुनिया भर में डिमांड है। अब मान के चलो हम रशिया से हम लोग तेल मंगवा रहे हैं, अब रशिया को हम लोगों ने रूबल दे दिया, ठीक है, या फिर मान के चलो कि रशिया हम लोगों से कुछ मान लो दवाइयां मंगवाता है, कुछ फार्मास्यूटिकल मंगवाता है, अब उसने हम लोगों को रूपी में पेमेंट किया। अब समस्या ये है कि जब हम लोगों के पास एक दूसरे की करेंसी आ जाएगी, अब उस करेंसी के साथ हम लोग तीसरी करेंसी के साथ डील तो नहीं कर सकते ना। हम लोगों को अगर ब्रिटेन से कुछ मंगवाना हुआ तो क्या करेंगे भैया, जर्मनी से कुछ मंगाना हुआ तो क्या करेंगे, उसको हम रूबल थोड़ी देंगे क्योंकि वो तो रूबल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और रशिया उनको रूपी थोड़ी देगा क्योंकि वो रूपी को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो डॉलर कॉमन करेंसी होती है, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं इसलिए इसकी इतनी हाई डिमांड होती है। तो इस सिस्टम को बायकॉट करने के लिए, क्योंकि फिर हम लोग अपनी करेंसी के साथ डील नहीं कर पाते हैं, तो आरबीआई जो है कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करेगा। तो आर्टिकल में ये अभी प्रॉपर बताया नहीं है कि कैसे होगा। करेंसी स्वॉप डील एक तरीका होता है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ नहीं मतलब बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। लेट्स सी कि आरबीआई क्या कर सकता है, क्योंकि इस समय रशिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल ट्रेडर बन गया है, हम लोग डील करते हैं और रशिया को हम लोग डॉलर में भी पे करते हैं, उसकी लोकल करेंसी में भी करते हैं, लेकिन वो सैंक्शंस वगैरह की वजह से बैंकों के साथ प्रॉपर डील नहीं हो पाती है। यही सेम केस हमारा ईरान के साथ भी चलता है। तो थोड़ा सा जो है आप उस ब्रॉडर सेंस में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, अदरवाइज आर्टिकल में कुछ खास था नहीं। तो यही इकोनॉमी के सेक्शन से जो है दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आरबीआई के बारे में, दूसरा क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आरबीआई के बारे में चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में यूपीएससी में सवाल पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के बारे में सवाल था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट विच इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो वो आपको बताना था, वो यूपीएससी का सवाल था, ये अपना सवाल है, इसको आप पढ़िए आराम से, स्टेटमेंट को पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है। जब तक आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इकोनॉमी का थोड़ा सिस्टम ऐसा ही रहता है, ये जो टर्म्स होती हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पूरी इकोनॉमी में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है 30 या 40 से ज्यादा मोटी मोटी टर्म्स नहीं है, जिस अगर आपको वो पता चल जाती है तो आपको इकोनॉमी के मोस्टली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने टर्म्स वगैरह को अच्छे से ध्यान रखिए, तब जाके इसको जो आपके आंसर करना है कमेंट सेक्शन में सबके आंसर में पढ़ता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, लाइक बटन पे क्लिक करना है। तो वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, और तभी तो आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। तो लाइक शेयर कमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन। तो भैया चाइना को फाइनली हम लोग बीट करने वाले हैं। पहले ये टारगेट 2025 रखा गया था, उससे पहले ये टारगेट 2030 था, लेकिन माशाल्लाह अभी हम लोगों ने इस टारगेट को 2030 में ही अचीव कर लेना है। क्योंकि देखिए 11 तारीख को यानी कि कल को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, तो यूनाइटेड नेशन ने जो है रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। उसमें कहा गया है कि इंडिया जो है 2023 में ही जो है हम लोग उसको सरपास कर देंगे चाइना को, और हम लोग बन जाएंगे दुनिया की नंबर वन कंट्री, ठीक है। देखिए ये मत सोचिए कि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती है कॉन्सेप्चुअली। प्रॉब्लम तब होती है जब उस ज्यादा पॉपुलेशन को आप रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पाते हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बेसिक सुविधा नहीं दे पाते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करते हो, ठीक है। देखिए इलोन मस्क तो ये कहता है कि दुनिया में जो है कम पॉपुलेशन हो रही है, उसकी चिंता है, तो इसलिए उसने 9-10 बच्चे पैदा कर दिए। उसका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, और इलोन मस्क तो ये कह रहा है, यूरोपियन कंट्री भी कई सारी ये कह रही है, जर्मनी कह रहा है, रशिया कह रहा है, और बहुत सारी कंट्री कि बच्चे पैदा करो प्लीज, जनता बच्चे पैदा कर ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन
तब प्रॉब्लम बनती है जब आप उसको एजुकेशन नहीं देते, स्किल नहीं देते, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रोटी कपड़ा मकान नहीं देते। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, जब आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है। तो ये कहा गया इन्होंने ये कहा कि करंटली जो है दुनिया की 4.7 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो एशिया के अंदर रहती है। ठीक है, जो कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 61% होता है। 17% पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है, 10% पॉपुलेशन यूरोप में रहती है, 8% लैटिन अमेरिका में रहती है, कैरिबियन वगैरह में, और बाकी 5% पॉपुलेशन आपके नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, और ओशियानिया में 43% पॉपुलेशन रहती है। ओशियानिया मतलब जहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ गिनिया, वो हवाई इस तरह के आइलैंड आते हैं, उसे हम लोग ओशियानिया कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हल्का फुल्का। ठीक है, एशिया वेशिया का याद रख लोगे, यूरोप का दैट इज सफिशियंट, तो हर इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, और इनका ये देखिए, इस समय चाइना 2019 की रिपोर्ट की यहाँ पे डेटा लिया गया है, 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है दुनिया का 19% और इंडिया जो है दुनिया का 18% पॉपुलेशन कवर करता है। ठीक है, थोड़ा आपका ये पता होना चाहिए। उसके अलावा कहता है कि 2023 में हम लोग सरपास डेफिनेटली कर ही लेंगे। चाइना की पॉपुलेशन जो है 2019 से लेकर 2050 के बीच में जो है वो 2.2% डिक्रीज होने वाली है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। इंडिया की पॉपुलेशन भी हम लोग बहुत जल्दी स्टेबलाइज कर सकते हैं, 2040 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन भी लगभग स्टेबलाइज हो जाएगी, और इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है इस सेंचुरी के एंड तक जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इस जो है 2030 तक जो है 8.5 बिलियन लोग हो जाएंगे पूरी दुनिया में, 2050 तक 9.7 और 2080 तक जो है 10.4 बिलियन हो जाएंगे, उसके बाद जो है पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ही आपको पता होना चाहिए। इस समय जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 7.5 बिलियन के आसपास है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, देखिए आप मतलब फूड वाली समस्या ज्यादा है नहीं दुनिया में वैसे, टू बी ऑनेस्ट। जैसे इस समय दुनिया में 7.5 बिलियन अगर लोग हैं, तो इस समय हम लोग 12 बिलियन लोगों के लिए फूड पैदा कर रहे हैं। समस्या यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की नहीं है, समस्या यहाँ पे फूड शेयरिंग की है। जो शेयरिंग, कुछ लोग इतना ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं हद से ज्यादा, कुछ लोगों के पास फूड खाने को नहीं है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। इससे हम लोग 11 से 12 बिलियन लोगों के लिए फूड पैदा कर रहे हैं, पॉपुलेशन से ज्यादा, शेयरिंग की प्रॉब्लम। इसलिए शेयर किया करो, ठीक है, फूड भी शेयर किया करो, आइडियाज भी शेयर किया करो, अपनी विजडम भी शेयर किया करो, अपने नोट्स भी शेयर किया करो, और हमारी वीडियो को भी शेयर कर दिया करो साथ के साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मजा आएगा कल कोई आपके आंसर पढ़ने में। इंडिया में जो है हाई जो पॉपुलेशन है उसका रीजन क्या है? ठीक है, आपने कम से कम मुझे 5 से 7 रीजन बताने हैं कि ऐसा क्या है इंडिया में कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। यहां पे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और होता है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री में यूजली पॉपुलेशन जो है वो रेट हाई होता है, ग्रोथ रेट। इंडिया का बस आपको मुझे बताना है कि क्या क्या रीजन है, और ये प्रायोरिटी के हिसाब से बताने, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं बता देना, अपनी मर्जी से प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि आंसर हम लोग हमेशा प्रायोरिटाइज करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ठीक है, या फिर ओवरऑल हाई पॉपुलेशन रेट इन इंडिया, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ ब्राउनी पॉइंट्स लेके आया हूँ। इंडिया में जो है 5-ईयर प्लान के हिसाब से हम लोगों ने कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर, फोर्थ, फाइव ईयर, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, फाइव ईयर। तो थोड़ा सा आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे डाले हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, द न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली ये सर्विस चार्ज के बारे में ही है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और वो सब, तो इसको ज्यादा हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो 2017 में भी ऐसी ही गाइडलाइंस दी गई थी, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो फाइनली सरकार, मतलब हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कुछ हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये इसको बेसिकली पूरा इंप्लीमेंट करेगी, और इन्होंने ही इन गाइडलाइंस को अभी अनाउंस किया है। तो क्या गाइडलाइंस हैं, क्या सर्विस चार्ज होता है, क्यों लगाया जाता है, वो थोड़ा सा आपका पहले से पता ही है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ जो बच्चे अभी पहली बार प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं उनके लिए, पुराने बच्चों को तो ऑलरेडी इसके बारे में पता है। अच्छा कंटेंट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है इस पीडीएफ का, उस पर क्लिक करिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
तो सीसीपीए ने जो है नई गाइडलाइंस इशू की हैं होटल सर्विस चार्ज वगैरह के बारे में, ये आपको सबको पहले से पता है। सर्विस चार्ज बेसिकली क्या होता है, जो आपका बिल होता है, मान ली बिल में आपने जो है शाही पनीर ऑर्डर किया तो उसका रेट है 200 रुपए। अब आपको ये बताता चलो कि जो 200 रुपए का शाही पनीर आपने ऑर्डर किया है, इसमें उसका प्राइस भी होता है और होटल की सर्विसेज भी होती हैं, क्योंकि जो होटल सर्विस होती है वो तो सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है ना, मैन्युफैक्चरर के अंदर थोड़ी होता है। तो ऑलरेडी आपका जो उसका एमआरपी होता है या ऑलरेडी आपके मेन्यू के अंदर जो प्राइस लिखा होता है उसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। उनके अलावा जब आपका बिल बन के आता है, तैयार होता है, उस बिल में एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है सर्विस चार्ज के नाम पे। यूजली क्यों लिया जाता है होटल्स के द्वारा ये इसको एज अ टिप मान के चलिए, एज अ टिप, जैसे हम लोग वेटर को टिप दे देते हैं, या फिर आप होटल की जो है रेस्टोरेंट की सर्विस से अगर खुश होते हैं तो आप इनको खुश हो गए, 100 रुपए या 50 रुपए 10-20 रुपए जितना भी दे दिया, उसे कहा जाता है सर्विस चार्ज। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उस वेटर को टिप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, तो वॉलंटियर और ऑप्शनल होना चाहिए। लेकिन होटल वाले बड़े चंट होते हैं, वो बिल के अंदर ही उसको इंक्लूड कर देते हैं और उस केस में आपके लिए वो मैंडेटरी हो जाता है। गवर्नमेंट ने 2017 में भी कहा था कि भैया ये ऑप्शनल है, अभी सरकार थोड़ा सा सख्त हो गई है कि नहीं भैया ऑप्शनल होता है, ये आपको बताना पड़ेगा कंज्यूमर को कि साहब जी ये सर्विस बिल है, आप इंटरेस्टेड हो देने में तो दीजिए, नहीं इंटरेस्टेड हो तो मत दीजिए। आप बेसिकली इसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो आपको फोर्स करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जा सकते हैं, 1915 हेल्पलाइन है, आप इस पर भी जाके आराम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो सेक्शन 10A था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो नई दिल्ली के अंदर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन वगैरह क्या है, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले नहीं किया था इतना सारा, ये दो मैंने आपके लिए आज एक्स्ट्रा कंटेंट डाला है। इसके इट विल हैव अ चीफ कमिश्नर होता है इसके पास, जो इसका हेड होते हैं, और उनके दो दूसरे कमिश्नर होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं एज अ मेंबर, ठीक है। इसका एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है जो टाइम टू टाइम रेस्टोरेंट वगैरह में जाके रेड भी करते हैं, सरप्राइज रेड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, वायलेशन होता है कंज्यूमर राइट्स वगैरह के बारे में, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है अगर मैंडेटरीली आपसे सर्विस चार्ज लिया जाता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है, ठीक है, उस सारे केसेस में। एडवर्टीजमेंट वगैरह हम लोगों ने टॉपिक पहले किया था, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड बिल, आपका जो फूड बिल आता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भाई आपका जो है GST होता है, उसके अंदर आपका IGST होता है, स्टेट GST होता है, सेंट्रल GST होता है, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होता है, और फिर बाद में जो ये होटल वाले सर्विस चार्ज लगाते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, अगर वो लगाते हैं तो, अदरवाइज तो ये ऑप्शनल होता है, एज अ टिप के फॉर्म में इसको लिया जाता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार ये कहती है होटल वालों को कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपना बिल बढ़ाइए ना, दिक्कत क्या है। अगर आपको लगता है कि शाही पनीर 200 रुपए का आप दे रहे हो, वो सस्ता दे रहे हो, इसीलिए आप सर्विस चार्ज लगा रहे हो, तो भैया आप किसने आपको रोका है, आप शाही पनीर का प्राइस 250 कर दो, 300 कर दो, अरे 3000 रुपए कर दो, कोई रोक थोड़ी रहा आपको। तो सरकार यही कहती है कि जब प्राइस के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है तो सर्विस चार्ज आप फालतू में नहीं ले सकते हो, ये जो है सरकार का आर्गुमेंट है। अब ये अब सीधी सी बात है, होटल वाले तो प्राइस कम रखेंगे क्योंकि उनको कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। अब इतने सारे हाई प्राइस रखे कोई होटल में जाएगा क्यों, तो होटल बड़े बड़े चंट होते हैं, फूड का प्राइस कम रखते हैं ताकि कस्टमर आए, उसको लगे मेन्यू पढ़ के, अरे वाह इतना सस्ते में शाही पनीर मिल रहा है, वो खाता है उसको पता लगता है इसके ऊपर 40 रुपए तो आपका सर्विस चार्ज देना पड़ रहा है, तो वो बेचारा ठगा जाता है। तो ये ठगी चल रही है, लूट चल रही है, तो इसलिए सरकार जो है थोड़ा सा टाइट हो गई है, ठीक है। तो नई गाइडलाइंस क्या क्या बोलती हैं आपको मैंने बता ही दिया, इसमें कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं। फेलिंग द फॉरेस्ट, देखिए ये हम जो बात करेंगे वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो 2006 में हम लोगों ने पास किया था, इसके तहत हम लोगों ने क्या किया था, जो फॉरेस्ट डवेलर्स होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन मतलब बहुत हजारों सालों से वहां पे रह रही हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी जरूरतों को लेके, अपने लिवलीहुड को लेके, हैबिटेशन को लेके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। इसके तहत जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं
और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं दूसरे, उनके प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इट इज फॉर द कंजर्वेशन रिजीम ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये क्या कहता है कि जो, अब देखिए ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इट गिव्स एफटीडी एफडीएसटी, मतलब ये जो है फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल ट्राइब्स और अदर जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनको लैंड ओनरशिप देता है। आप ये समझ लीजिए कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमारा, वो उनको सिर्फ उसी लैंड की ओनरशिप देता है जिसके ऊपर वो पहले से अधिकार है, उनको नई लैंड नहीं देता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि सिर्फ 4 हेक्टेयर का ही मैक्सिमम आपको वो राइट प्रोवाइड करा सकता है। कोई भी वहां पे रहने वाला ट्राइबल पर्सन ये नहीं कह सकता कि देखो मैंने यहाँ पे 50 हेक्टेयर जो है वो जंगल साफ कर दिया है, अब ये मेरी लैंड है। नहीं भैया, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल को काट सकते हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वहां पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे टेंडू लीव्स होती हैं, हनी होता है ना, शहद वगैरह, तो उनके ऊपर भी इनका राइट होता है। ग्रेजिंग राइट्स होते हैं, अपने जानवर वगैरह को चरा सकते हैं। तो एक तो छोटा सा आपको प्रीमाइस आपको सेटअप करना है। उसके अलावा ग्राम सभा को यहाँ पे काफी अधिकार दिए गए हैं। तो ग्राम सभा बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी होती है, अगर वहां पे मान लो आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो ग्राम सभा अगर मना कर देती है, ठीक है, तो वहां पे वो इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी। ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, ये वाला पॉइंट, ग्राम सभा वाला। अब इसी के आसपास जो है ये आज का एडिटोरियल यहाँ पे घूम रहा है। देखिए अब होता क्या है ना, यहाँ पे मैं आर्टिकल पे लेकर चलता हूं आपको, ये रहा आर्टिकल। तो अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, ठीक है। अब एक दो इंसान है, मतलब दो ऐसे स्कूल हैं या फिर दो ऐसे ग्रुप हैं। पहला ग्रुप वो है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है, पहला ग्रुप वो है। दूसरा ग्रुप वो है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ठीक है, मतलब वो ट्राइबल के अधिकारों की बात करता है। अब इन दोनों के बीच में आपस में रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है। कैसे, देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 13 फरवरी को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 17 स्टेट में से 10 लाख आदिवासियों को जंगल से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जंगल को डैमेज कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से पीएल वगैरह डाली गई, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी हम लोग फोर्सफुली किसी को नहीं निकालेंगे। तो सरकार ने क्या किया, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो ड्वेलर्स एक्ट हमारे पास एफआरए जिसको बोलते हैं, उसके तहत उन लोगों को निकालना शुरू कर दिया जो एफआरए के तहत अपने क्लेम को प्रूफ नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों को जंगल से निकाल दिया। अब यहां पे समस्या आती है इन दो ग्रुप्स की। अब देखो समझने वाली बात है, सरकार उनको जंगल से इसलिए निकाल रही है क्योंकि सरकार का ये आर्गुमेंट है कि मुझे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। मान लो कहीं पे कोई टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व के अंदर डेफिनेटली ट्राइबल्स नहीं रह सकते क्योंकि इससे जो है टाइगर को नुकसान पहुंचता है या फिर वहां के जो स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। तो एक ऐसा ग्रुप है जो ये कहता है कि इनको यहां से निकालो क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, जिन्हें हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप होता है ह्यूमन राइट्स वाला, जो ये कहता है कि नहीं, जो ट्राइबल के ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रायोरिटी पे रखो, एनवायरमेंट को प्रायोरिटी पे मत रखो। अब इन दोनों के बीच में रस्सा कस्सी चल रही है। अब इन दोनों को ही दोनों से ही नुकसान होता है, मतलब ये आर्टिकल ये कहना चाहता है। और ये आर्टिकल कोई नया नहीं है, ये पुराना आर्टिकल था कोई जो कि 2019 में लिखा गया था, ये वो आर्टिकल है। तो ये कहता है कि भैया दोनों ग्रुप से ही नुकसान हो रहा है। कैसे, अगर वाइल्ड लाइफ की वजह से हम लोग उनको घर से निकालते हैं, उनके घर के से निकालते हैं, तो वो बेचारे कहां जाएंगे? तो उनका जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है, वो वायलेट, उनका वायलेशन होता है। अगर उनको जंगल में रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, झूम कल्टीवेशन समझ लीजिए, या फिर वो जंगलों को काट देते हैं, कई बार ऐसे भी केस देखे गए हैं, है ना, वहां पे जो लकड़ी वगैरह होती है वो बेच दी जाती है, तो जंगल को नुकसान होता है। तो भैया करें तो क्या करें। अब यहाँ पे इन्होंने एक दो केस भी यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे एक और आर्गुमेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें या ग्रोथ करें। ग्रोथ कब होगी? जब आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी। जीडीपी ग्रोथ कब होगी? जब आप इंडस्ट्री लगाओगे, जब आप आउटपुट बढ़ाओगे। अरे भैया तभी तो ग्रोथ होगी।
लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में होता है आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करिए, आप अपने जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करिए, जंगलों को प्रोटेक्ट कीजिए, ये नेचर की बात करता है ना, नेचर को भी प्रायोरिटी में रखता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो नेचर को प्रायोरिटी में नहीं रखता है। तो अब इन दोनों के बीच में नुकसान है भैया, अगर डेवलपमेंट पे फोकस करें तो इंडस्ट्री कैसे लगाओगे, और सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करोगे तो इसको नुकसान होता है। तो ये दोनों के बीच में वही मैं बता रहा हूं बार बार आपको, ये रस्सा कस्सी का खेल चलता है। तो इंडिया अभी ऐसी पोजीशन में है जिसको बैलेंस बना के चलना है, हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ भी करनी है, हमें अपनी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी है, और हमें साथ साथ नेचर का ध्यान भी रखना है। तो बीच में कहीं ना कहीं हम लोग फंस गए हैं। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए थे, एक एग्जांपल देते हैं इन्होंने ओडिशा में जो वेदांतु वाला वेदांता वाला ग्रुप है ना, वेदांता का जो वहां पे प्लांट था जिसको जो है बंद कर दिया गया क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पे हुए। और एक एग्जांपल इन्होंने जो है केरला वाला एग्जांपल दिया है। फिर हिमाचल में जो है जो लिप्पा, पीपल ऑफ लिप्पा जो है हिमाचल में एक जगह है, वहां पे कुछ जो है प्रोजेक्ट लगाया जाना था उसको भी बंद कर दिया गया। अरे कहां भाग गया भाई, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ये था, ठीक है। तो 2016 में फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यही किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 वाला था, जो 2016 में क्या किया उन्होंने भी हिमाचल वाले प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब वही अब मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। ओडिशा में भी ऐसा ही हुआ, ग्राम सभा ने जो बोला वेदांता ग्रुप को कि आप यहाँ पे प्लांट मत लगाओ, तो 1.7 बिलियन बॉक्साइट माइनिंग आपने बंद करवा दिया। ऐसा ही केस तमिलनाडु के अंदर भी हुआ है ना, और ऐसा ही केस जो है रायगढ़ में भी हुआ, कालाहांडी में वहां पे भी ऐसा ही हुआ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं माइनिंग वाले या इंडस्ट्री वाले फॉरेस्ट राइट एक्ट का हवाला देके, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको पता ही है ग्राम सभा को काफी पावर मिली हुई है। तो इससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, इससे ग्रोथ नहीं हो रही है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ये दोनों के बीच में बैलेंस की बात है, बैलेंस आपको बना के चलने की जरूरत है। जैसे इन्होंने एक डैम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, ये देखिए मापीथेल डैम दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन मणिपुर, ठीक है। अब इस मणिपुर के अंदर ये डैम, अब जो वहां के लोकल लोग हैं वो तो कहते हैं डैम मत बनाओ, सरकार कहती है कि डैम बनाना जरूरी है क्योंकि इससे फ्लड कंट्रोल होगा, इससे इरिगेशन में बेनिफिट मिलेगा, इससे बिजली भी पैदा होगी। लेकिन वहां वाले जो लोग हैं लोकल, जो 10-12 गांव हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इससे हमारी लैंड डूब जाएगी, इससे हमारा गांव डूब जाएगा। अब भैया किसकी माने किसकी ना माने। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले वो लोग एक तरफ, ह्यूमन राइट्स वाले एक तरफ, तो दोनों के बीच में जो है वो इश्यूज होते रहते हैं। अभी कौन सही है कौन गलत है वो तो आर्गुमेंट हमेशा से चल ही रहा है, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, लेकिन बात घुमा फिरा के ये आ जाती है कि सरकार को इस तरह की चीजें करने से पहले ग्राम सभा को विश्वास में लेना चाहिए, भरोसे में लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनको ग्राउंड वर्क करना चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं उनको जो है वो कंजर्वेशन वाले ग्रुप के साथ बैठना चाहिए, तब जाके आप इस चीजें कर सकते हो, तभी तो डेमोक्रेसी का मतलब भी है। अदरवाइज तो कानूनों का इसी तरह से मिसयूज किया जाता रहेगा और होता भी रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक का डार्क मैटर के बारे में, ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में। डार्क मैटर क्या होता है, व्हाट इज डार्क मैटर, एक्चुअली हमें पता नहीं है डार्क मैटर क्या है इसीलिए इसका नाम डार्क मैटर है क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है। देखिए किसी भी मैटर का, किसी भी एनर्जी का आपको कब पता चलता है, जब वो आपके साथ रिएक्शन करती है या किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करती है। लेकिन डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की खास बात ही यही है कि वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो भैया जब कोई चार्ज ही नहीं होता तो पता कैसे चलेगा जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती हैं जो ये बताती हैं हम लोगों के हमारे यूनिवर्स का 95% एक्चुअली डार्क मैटर होता है। जो हमें लोग दिखता है ना ये गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह, वो सिर्फ 5% होता है। 95% तो ऐसा मैटर है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं वो क्या है, किस चीज का बना है ये भी नहीं पता। हमारी मिल्की वे में ही देख लो, इतना सारा डार्क मैटर हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है। लेकिन डार्क मैटर अपनी प्रेजेंस दिखाता है इनडायरेक्टली। जैसे जब दो गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो हमारी जो कंप्यूटर कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से जितना प्रोसेस होना चाहिए था एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि शायद वहां पर डार्क मैटर होता होगा। ये नॉर्मल मैटर जैसा नहीं होता है, जैसे स्टार गैलेक्सी जैसा है, थोड़ा आपको मैंने बता ही दिया। तो दो गैलेक्सी के मर्जर से थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है। न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यूएसए के अंदर साउथ डकोटा जगह है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लक्स जेपलिन एलजेड जिसको बोला जाता है, ये बेसिकली काइंड ऑफ लेबोरेटरी है।
जो डार्क मैटर को डिटेक्ट करती है, लेकिन ये डायरेक्ट डिटेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट डिटेक्शन है। जो बहुत दूर की जो गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, वहां से जब ग्रेविटी वेव्स आती हैं, तो वो ग्रेविटी वेव्स अपने रास्ते में आते आते से बेंड हो जाती हैं। वो इसीलिए बेंड होती हैं क्योंकि वहां पे डार्क मैटर होता है। तो इस तरह की चीजें ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा भैया डार्क मैटर नाम की कोई चीज है। किस चीज का बना हुआ है, कोई बोलता है न्यूट्रिनो का बना हुआ है, कोई कुछ बोलता है, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लेट्स सी, फ्यूचर में कुछ और हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें पता चलेगा। मैं सिर्फ आपको ये करवाना चाहता था प्रीलिम्स के लिए। पूछ सकता है वो कि लक्स ज़ेपलिन वाज रिसेंटली इन न्यूज, तो इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह का प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछ लेता है। तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एडिटोरियल सेक्शन से आता है, वो एडिटोरियल हमारा रहता है आज की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कि कैसे कैसे इंडिया में जो है पॉलिटिक्स का नेचर चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिकल सा आर्टिकल है, बट मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, उसके उससे इंस्पिरेशन लेके बेसिकली आर्टिकल लिखा गया है मिस्टर कैलाश जी के द्वारा। डार्क मैटर वाला पार्टिकल टॉपिक बढ़िया था, एफआरए वाला टॉपिक बहुत बढ़िया था। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किया करो यार, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा करो और थोड़ा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चे हमारे किस समय एनालिसिस देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सुबह देखते हैं, कुछ दोपहर को देखते हैं, कुछ रात को देखते हैं, तो थोड़ा मुझे आइडिया लग जाता है कि किस टाइम पे आप एनालिसिस देखते हो, है ना, उसी हिसाब से थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। खैर, तो क्या कहता है भैया, तो ये कहता है कि इंडिया में जो ये पार्टी सिस्टम और जो डिफेक्शन वाला सिस्टम और ये जो चला था, वो तीन वेव्स में चला था। पहली वेव थी 1960s के अंदर, तो शुरुआत हुई थी 1960s में। देखो आपको पता ही है उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ठीक है, 1967-1968 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। तो जब से स्टेट्स के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, तब से स्टेट पार्टीज का राइज शुरू हुआ। उसके बाद से सारी चीजें जो यहाँ पे शुरू होना, वो कैलकुलेशन, वो पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गई बेसिकली। तो एमएलए एमपी जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे, फिर तीसरी में जाने लगे। तो 1960s में बहुत फ्रिक्वेंटली हुआ करता था, क्योंकि उसके लिए कोई रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं हुआ करता था। तो 60s-70s में खूब चला, 20-25 साल भरपूर भरमार चलती थी ये। आजकल जो महाराष्ट्र वगैरह में आपको दिख रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, रियल गेम तो तब हुआ करता था। खैर, हमें याद नहीं है तो इसलिए हमें पता नहीं है। फिर जो दूसरी मोमेंट आई, वो आई 1980s में, जब हम लोगों ने एक्चुअली एंटी डिफेक्शन जो है पास किया, ताकि ये सब ना रुक जाए, ये जो स्विचिंग होती है एमएलए वगैरह के एमपीज की, रुक जाए। लेकिन उससे रुका कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। फिर बाद में जो है अटल जी की सरकार आई, उन्होंने फिर बाद में उसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, ये सोच के कि शायद जो है चीजें रुक जाएंगी, लेकिन भैया रुका नहीं। तो वो थी हमारी सेकंड वेव। तीसरी वेव आई 2014 के बाद, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो तब से फिर से हंगामा। तो बीच में कुछ साल शांति शांति के रहे, लेकिन फिर से जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही हुआ, बिहार में हुआ, कर्नाटका में हुआ, अभी आप देख सकते हो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में 2020 में महाराष्ट्र वाले इन्होंने एग्जांपल दिया ही हुआ है, पुडुचेरी में हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ। तो आजकल ये फ्रीक्वेंटली आपको केस देखने को मिलते हैं, है ना, पार्टी का मर्जर हो गया, एमएलए छोड़ के चले गए, एमपी छोड़ के इधर से उधर चले गए। तो एंटी डिफेक्शन का कोई खास फर्क यहाँ पे पड़ा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये सेंटर में ही होता है, ये स्टेट्स में भी होता है, रीजनल एग्जांपल भी है, तेलंगाना के अंदर भी ऐसे हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर भी ऐसे हुआ, ठीक है, कर्नाटका के अंदर भी ऐसा ही हुआ, कि वहां के रीजनल पार्टीज आपस में चेंज कर रही है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस का रोल ही नहीं है। तो दोनों लेवल पे होता है, ये सेंटर लेवल भी होता है, स्टेट लेवल भी होता है। अब इन्होंने यहाँ पे अपना पर्सनल कमेंट दिया है, तो ये कहते हैं कि भैया जो मोरालिटी होती है, जो स्प्लिट्स होते हैं, जो स्विच करते हैं एमएलए वगैरह, उससे डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी है, यस और नो। ये देखिए, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी तो है नहीं, तो जिस भी लेजिस्लेचर का जो मन करे भैया वो वहां जाए, क्या दिक्कत है। ये कहता है कि पहली बात तो ये, द स्विचर्स मतलब जो स्विच करते हैं, वायलेट द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द वोटर्स, गेट समथिंग अदर देन द दे बार्गेन फॉर। सीधी सी बात है, मान लो यहां पे कोई आदमी है, उसका नाम है रमेश, रमेश बिलीव करता है किसी खास आइडियोलॉजी में, कोई भी खास आइडियोलॉजी में बिलीव करता है,
मान लो ये बिलीव करता है एनवायरमेंट के अंदर बिलीव करता है, ये उसकी आइडियोलॉजी है कि जो भी पार्टी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेगी मैं उसको वोट दूंगा। अब यहाँ पे कोई पार्टी है एक्स वाई जेड, इसने उसको वोट दिया अपनी आइडियोलॉजी को बिलीव करके। अब इन्होंने जिनको वोट किया वो भाई साहब एमएलए चुने गए। अब इन्होंने क्या किया, एमएलए भाई साहब ने किसी ऐसी पार्टी को बीच में सपोर्ट कर दिया अपनी पार्टी को छोड़ के, जो पार्टी एनवायरमेंट पे बिलीव ही नहीं करती, तो इसका क्या होगा? अरे भैया इसके साथ तो बेचारे के साथ चीटिंग हो गई ना, धोखा हो गया ना। इसने जो आइडियोलॉजी सोच के जिस वैल्यू के बेसिस पे वोट दिया था उतने उस आदमी को, उस पार्टी को, उस पार्टी ने पार्टी ही स्विच कर ली तो चीटिंग हो गया ना इसके साथ। तो ये पूरा डेमोक्रेसी के ऊपर एकदम से पूरा, मतलब जिसको बोलते हैं ब्लो हो गया, आघात हो गया, ये इन्होंने कहा। अब फिर उन्होंने कहा कि देखो ये ना बातें बड़ी बड़ी हैं, ये चीजें एक समय में काम किया करती थी, आजकल के वोटर और आज की पॉलिटिकल पार्टी की इक्वेशन आपस में चेंज हो चुकी है। आज हम लोग जो वोट करते हैं वो आइडियोलॉजी के ऊपर खास वोट नहीं करते हैं, आजकल हम लोग वोट करते हैं सर्विस के ऊपर कि कौन सी पार्टी मुझे क्या सर्विस दे रही है। जो वोटर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो रिलेशन था वो चेंज हो गया भैया मॉडर्न समय में। आज के समय में पॉलिटिकल पार्टी जो है आइडियोलॉजी के ऊपर खास बिलीव नहीं करती है, वो इस बात में बिलीव करती हैं कि हम लोग वोटर को क्या सर्विस देंगे, और वोटर भी यही सोच के वोट देता है कि मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी क्या सर्विस दे सकती है, क्या बिजली के बिल माफ करेगी, है ना, क्या मेरे जो है जो लोन चढ़ा हुआ है क्या उसको माफ करेगी, क्या मेरे जो है स्कूल कॉलेज की फीस कम करेगी। सर्विस के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दी जाती है, इसीलिए आजकल वोटर को भी खास फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेरी पार्टी वाला बंदा कहाँ जा रहा है, उसको इस बात से मतलब है कि वो ये जिस भी पार्टी में जाए मुझे सर्विस मिलती रहनी चाहिए। तो आजकल जो रिलेशन है वो चेंज हो गया। तो जो पुरानी चीजें होती थी, जब एक कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती थी किसी स्टेट के अंदर, वो लोगों के लिए संघर्ष करती थी, वहां से कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ करता था, उसको सब अपना लीडर मानते थे, वो पार्टी के लोगों के लिए अकाउंटेबल हुआ करता था, उसको सब लीडर चुनते थे, वो समय गया। आजकल वो समय नहीं रहा, आजकल पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से काम करती ही नहीं है। आजकल तो सारा काम स्ट्रेटेजी से होता है, है ना, जैसे एमबीए वाले लोगों को हायर किया जाता है जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो कैंपेनिंग के लिए पूरा फिक्स करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, राइट, टिकट किसको बंटेगी, कैसे बंटेगी, क्यों बंटेंगी। आजकल तो सब बिजनेस हो गया है ना, आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी में लीडर काम नहीं करते हैं भैया, बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं, उनको विदेशों से बुलाया जाता है, वो पूरा चार्ट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आजकल पॉलिटिक्स भी एक तरह का पूरा बिजनेस हो गया। तो इनका कहना है कि ये चीज गलत भी नहीं है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आजकल यही चलता है। तो सिचुएशन चेंज हो गई है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन या जो सुप्रीम कोर्ट जो मानते थे, अब वो आज भी पुरानी वाली पार्टी में ही बिलीव करते हैं कि वही पार्टी सिस्टम होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन भैया आजकल वो है नहीं। ठीक है, तो समय के साथ जो है पार्टी सिस्टम भी चेंज हो गया है, एक समय वो हुआ करता था, आज का समय है 20 30 50 साल के बाद पार्टी सिस्टम कुछ और चेंज हो जाएगा। तो इनका बेसिकली कहना यही है इस पूरे आर्टिकल में कि वोटर पॉलिटिकल पार्टी इनके बीच में जो रिलेशन था वो समय समय पे चेंज होता रहता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है वो जो मर्जर है, स्विच है, वो आज भी चल रहा है, फ्यूचर में और ज्यादा चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन हो गया है अलग थलग। अब इससे डेमोक्रेसी के लिए सही है या गलत है ये अलग डिबेट है, राइट, क्योंकि डेमोक्रेसी काफी फ्लेक्सिबल चीज होती है, डेमोक्रेसी कोई एक रिजिड चीज नहीं होती है। तो समय समय के हिसाब से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है, समय के हिसाब से डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं। तो इनका यही कहना है कि जो भी हो रहा है लेट्स होप के अच्छे के लिए हो, लेट्स होप के जो आउटकम है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टी चेंज करिए मत करिए, वो सारी सारी चीजें। ठीक है, तो यही पूरे आर्टिकल के अंदर आर्गुमेंट इन्होंने घुमा फिरा के दिया हुआ है। ठीक लगा मुझे, हमारे जो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह, उसके अंदर भी जो पार्टी सिस्टम वगैरह अच्छे से समझा रखा है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को जाके भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो शुरुआत तो हमेशा आपका एनसीईआरटी से ही करना चाहिए, है ना, चाहे आप पॉलिटी की करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैंने देखा है जो सीधा लक्ष्मीकांत खोल के पढ़ने लगते हैं, वो बहुत गलत अप्रोच है। पहले आप एनसीईआरटी से शुरुआत करिए, बेसिक चीजें समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म समझिए, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ,
अच्छे से समझिए, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत में जाके स्विच कर सकते हो। ऐसा ही ज्योग्राफी में भी करिए, हिस्ट्री में भी करिए, तो लक्ष्मी पढ़ने की हो जाए एनसीईआरटी से जाइए। ठीक है, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप लोकेशन बेस्ड है, थोड़ा मैप वगैरह में देख सकते हो लुथियानिया कहाँ है, कैलिंग्राड कहाँ है, थोड़ा बहुत न्यूज़ में आप देख, बेलारूस कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, बाल्टिक सी कहाँ है, वो थोड़ा जो है मैप वर्क में देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जो आपको मैंने एमसीक्यूज दिए हैं, आप प्लीज़ एमसीक्यूज जाके जो है सोल्व जरूर करिए। नहीं अगर अब आता है तो गूगल करके थोड़ा जानकारी लेके करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करे बिना कोई बच्चा नहीं जाएगा, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लिए, बटन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो और ग्रीट कर लिया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप करते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।